मायावती, जिसकी राजनीति की नींव ही दलितों को ठगने पर टिकी है, अचानक से उन्हें दलितों पर नहीं ब्राह्मणों पर प्रेम बढ़ने लगा है। इसलिए बकायदा प्रबुद्ध जन सम्मेलन करवाए जा रहे हैं ताकि ब्राह्मण माया के पाले में आ जाएं। लेकिन मायावती को अपने कारनामे और ब्राह्मणों पर बोले गए बोल तो याद ही होंगे। दलितों को लुभाने में मायावती ने ब्राह्मणों को क्या कुछ नहीं कहा था। मनवादी शब्द माया के ही उपजाए शब्द हैं। तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। माया कम से कम इस नारे को तो नहीं भूली होंगी। भगवान पर दूध चढ़ाने को इसी माया ने ठकोसला बताया था, जो हिंदुओं की आस्था पर भद्दा मजाक था। इसी माया ने भरे मन से अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए हिंदू धर्म छोड़ने की धमकी दे डाली थी। यदि इन्होंने इन वर्गों के प्रति व इनके नेताओं के प्रति भी अपनी हीन व जातिवादी एवं सांप्रदायिक सोच व मानसिकता को नहीं बदला तो तब फिर अंत में मुझे भी मजबूरी में यहाँ इस व्यवस्था के शिकार अपने लाखों करोड़ों असंख्य लोगों के साथ फिर हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाने का ही फैसला लेना पड़ेगा। जिसके लिए धर्म मात्र राजनीति का मोहरा है, उसके मुंह से तो ऐसे ही बोल फूटेंगे ना। जिन ब्राह्मणों को माया गाली देते नहीं थकती थी, आज उन्हीं ब्राह्मणों से सत्ता का यज्ञ करवाने निकली हैं। इसलिए ब्राह्मणों के लिए ये मौसमी प्रेम उमड़ रहा है और अचानक चिंता भी होने लगी है। खासकर ब्राह्मण समाज को फिर से ये जागरूक करने के लिए कि प्रदेश में अन्य सभी समाज के साथ साथ इनका भी हित हर मामले में हर स्तर पर BSP व इस पार्टी की सरकार में ही केवल सुरक्षित रह सकता है। लेकिन कहते हैं ना, इतिहास मिटता नहीं है बल्कि समय आने पर अपने आप को जीवित कर लेता है। ठीक उसी तरह ब्राह्मण समाज भी इनके द्वारा अपनी बेइज्जती ना तो भूला है और ना ही भूलेगा। बस समय आने दीजिए, जनता सब हिसाब चुकता करेगी।